हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ टेंस एंड वंस। अक्सर बच्चे टेंस और वंस के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं, सो आज हम देखेंगे कुछ इजी मेथड्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड वंस। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउसेज ऑफ नंबर्स की। हाउसेज ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? जैसे हम सभी हाउस में रहते हैं, बर्ड्स के भी अपने हाउसेस होते हैं, एनिमल्स के अपने हाउसेस होते हैं, इसी तरीके से नंबर्स के भी हाउसेस होते हैं और नंबर्स भी हाउसेस में रहते हैं। नंबर्स के हाउसेस कौन कौन से होते हैं? लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, इसी तरीके से आगे भी। सो यहाँ पे ओ रिप्रेजेंट कर रहा है वंस को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस को, एच रिप्रेजेंट कर रहा है हंड्रेड को, टी एच रिप्रेजेंट कर रहा है थाउजेंड को एंड टी टी एच रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस ऑफ थाउजेंड को। यहाँ पे हमेशा हमें एक बात याद रखनी है, हर एक हाउस के अंदर एट ए टाइम एक ही डिजिट रह सकता है। मोर देन वन डिजिट हम एक बार में एक हाउस में नहीं रख सकते हैं, मोर देन वन डिजिट एक हाउस में एक बार में नहीं रहता है। अगर कोई भी नंबर टू डिजिट नंबर है तो वन डिजिट रहेगा वंस में एंड सेकंड डिजिट रहेगा टी में। इसी तरीके से अगर थ्री डिजिट नंबर है तो एक रहेगा ओ में, एक रहेगा टी में और एक रहेगा एच में। यानी कि एक बार में एक हाउस में सिर्फ एक ही डिजिट रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, नंबर है 194। 194 के अंदर थ्री डिजिट्स हैं, वन, नाइन एंड फोर। अब ये जो थ्री डिजिट्स हैं ये इंडिविजुअल हाउसेस में रहेंगे, लाइक फोर एक अलग हाउस में रहेगा, नाइन अलग हाउस में रहेगा एंड वन जो है वो अलग हाउस में रहेगा। अब ये कैसे हाउसेस में जाते हैं, किस तरीके से इनको हाउसेस में रखा जाता है? हमेशा हमें राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना होता है, यानी कि राइट नंबर से, राइट में जो नंबर लिखा है वहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे और लेफ्ट वाला जो नंबर है वो एंड में लिखेंगे। इसी तरीके से जो हम हाउसेस देखते हैं वो भी हमेशा हमें राइट टू लेफ्ट ही देखना होता है, यानी कि हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। कोई भी डिजिट हमें रखना है तो हमेशा राइट से ही हमें रखना है और राइट से ही उसको प्लेस करना है। जैसे हम बात करें, नंबर है 194, इसमें राइट पे जो नंबर है वो है 4, तो सबसे पहले प्लेस करना होगा हमें 4 नंबर को, 4 डिजिट को। तो 4 डिजिट कहाँ जाएगा? इसमें हम देखेंगे ये जो हाउसेस हैं हमारे नंबर्स के उसमें राइट पोजीशन पे कौन सा हाउस है, ओ है। तो हमेशा जो राइट वाला जो है वो इस राइट वाले पोजिशन पर जाएगा, तो यहाँ पर 4 में ओ के नीचे आ जाएगा 4। इसी तरीके से नेक्स्ट डिजिट है वो है 9, 9 जो है वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा, नेक्स्ट हाउस है हमारा टी, तो टी के नीचे हम रख देंगे 9 को। नेक्स्ट डिजिट है 1, 1 जाएगा हमारा 100 के अंदर, तो एच के नीचे आ जाएगा 1। सो अगर हमसे पूछे यहाँ पे कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं और कितने हंड्रेड हैं, तो यहाँ पे हम बताएंगे 4 वंस हैं, 9 टेंस हैं एंड 1 हंड्रेड है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, जैसे नेक्स्ट नंबर है हमारा 25 है, टू डिजिट नंबर है, यानी कि टू हाउस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो हमेशा हमें स्टार्ट करना राइट टू लेफ्ट, राइट में कौन सा नंबर है 5, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें राइट हाउस से स्टार्ट करना है, राइट में हाउस है हमारा ओ यानी वंस, तो वंस के नीचे आ जाएगा हमारा 5। एंड नेक्स्ट नंबर हमारे पास, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 2, तो 2 लिखा जाएगा हमारा टेंस के नीचे, तो ये हो गया नंबर। अब देखिए यहाँ पे कितने वंस हैं, 5 वंस हैं एंड 2 टेंस हैं, देखिए कितना इजी है। नेक्स्ट नंबर हम बात करें, जैसे एक नंबर है हमारे पास 38। अब बच्चे से हम पूछेंगे इस 38 नंबर में कितने वंस हैं और कितने टेंस हैं, तो अगर बच्चे को ये हाउसेस पता हैं कि कौन कौन से हाउसेस होते हैं तो इस तरीके से आप हाउसेस लिखवा देंगे और देन हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो राइट में फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट है हमारा 8, तो 8 को हम राइट जो बॉक्स है हमारा ओ, ओ के नीचे हम लिख देंगे 8। नेक्स्ट डिजिट है हमारा 3, तो 3 को लिखेंगे हम टी के नीचे। अब देखिए कितना इजी है, 38 के अंदर हमें बताना है कितने वंस हैं और कितने टेंस हैं। वंस के नीचे कितने नंबर हैं, 8 हैं, तो 8 वंस हैं एंड 3 टेंस हैं, तो बच्चा इजीली बता सकता है कितने वंस हैं और कितने टेंस हैं। बट इसके लिए ज़रूरी है बच्चे को ये पता हो कि कौन कौन से हाउसेस होते हैं और हमें किस तरीके से उन्हें लिखना है। स्टार्टिंग हमें वन से करनी है, देन टेंस, देन हंड्रेड। किंडरगार्टन के बच्चे के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, आप वंस, टेंस और हंड्रेड्स को सिखाएं, बाकी के डिजिट आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमें काउंटिंग जो सिखाई जाती है वो थ्री डिजिट नंबर्स तक ही करवाई जाती है। तो यहाँ पर थ्री डिजिट नंबर के लिए आप वंस,
टेंस और 100 ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब बच्चा क्लास 1 में या क्लास 2 में या क्लास 3 में होता है तब हम आगे के हाउसेस भी बच्चों को सिखाते हैं, बट किंडरगार्टन के बच्चे के लिए सफिशिएंट है कि वंस, टेंस और 100 के लिए सिखाया जाए। और स्टार्टिंग में तो सिर्फ आपको वंस और टेंस ही करवाना है, 100 भी आपको नहीं लेना है, सिर्फ वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट आप करवाएंगे। जब बच्चा वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो वो 100 का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कर लेगा। सेकेंड मेथड हम देखेंगे बिल्डिंग्स और इंडिविजुअल हाउसेस के थ्रू टेंस और वंस की वैल्यू कैलकुलेट करना। कैसे हम करेंगे, यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है जिसमें 10 फ्लोर्स हैं, यानी कि 10 का एक बंच है जो रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस को, और ये है इंडिविजुअल हाउसेस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वंस को। सो सबसे पहले हम देखेंगे वंस, वंस के अंदर क्या होगा, 0 से लेकर जो 9 तक के नंबर्स होते हैं वो हमेशा वंस में लिखे जाते हैं, यानी कि सिंगल डिजिट नंबर जो है वो हमेशा वंस में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो बिल्डिंग और ये जो इंडिविजुअल हाउसेस हैं ये कितने, इसमें कितने टेंस और वंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल हाउसेस को, इंडिविजुअल हाउसेस को वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 इंडिविजुअल हाउसेस हैं, तो ये जो इंडिविजुअल हाउसेस हैं ये वंस को रिलेट कर रहे हैं, वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वंस के नीचे हम लिख देंगे 4। ये है एक बिल्डिंग, बिल्डिंग रिप्रेजेंट कर रही है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है जो रिप्रेजेंट कर रही है टेंस को, तो टोटल कितनी बिल्डिंग है यहाँ पे, एक ही बिल्डिंग है, इसलिए टेंस के नीचे लिख देंगे हम 1। सो हियर 4 वंस हैं और 1 टेंस है, यानी कि नंबर हम देखें तो नंबर बन गया हमारा 14। सेकेंड जो मैथड हम यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड मैथड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 10 फ्लोर की बिल्डिंग है यानी कि 10 वैल्यूज हैं, 10 फ्लोर्स हैं, तो 10 हो गए टोटल। एंड यहाँ पे इंडिविजुअल हाउसेस की हम बात करें तो इंडिविजुअल हाउसेस हैं हमारे 4, 1, 2, 3, 4, तो 10 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 14, तो यहाँ पे टेंस और वंस के नीचे हम लिख देंगे 14। बट मुझे फर्स्ट मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने पूर्व को फर्स्ट मेथड के थ्रू ही करवाया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम अगेन इंडिविजुअल हाउसेस कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल हाउसेस हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो वंस के नीचे हम लिख देंगे 6 क्योंकि इंडिविजुअल हाउसेस हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वंस को। नेक्स्ट हम देखें बिल्डिंग की बात करें, यहाँ पे कितने बिल्डिंग्स हैं, सिर्फ 1 बिल्डिंग है, तो टेंस के नीचे लिख देंगे 1। सो 6 वंस है यहाँ पे और 1 टेंस है यहाँ पे, तो नंबर की हम बात करें तो नंबर हमारा हो जाएगा 16। सो ये तो हमारा हुआ छोटे नंबर्स, तो हम थोड़े से बड़े नंबर्स के लिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, सबसे पहले हमें वंस कैलकुलेट करने हैं, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल हाउसेस को कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो वंस के नीचे हम लिख देंगे 5। नेक्स्ट हमें बिल्डिंग्स देखनी है, कितनी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, तो टेंस के नीचे आ जाएगा 4। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर हमारा हो गया 45 और टेंस और वंस हम देखें तो 5 वंस एंड 4 टेंस। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हम वंस कैलकुलेट करें तो वंस यहाँ पे एक भी नहीं है, इट मीन्स वंस हमारा हो जाएगा 0 एंड बिल्डिंग्स यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3, तो नंबर हो गया हमारा 30 और वंस देखें तो वंस 0 है बट टेंस हमारे 3 है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम किसी नंबर को या किसी वैल्यू को टेंस और वंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, नंबर है 32, 32 को हमें रिप्रेजेंट करना है टेंस और वंस की फॉर्म में। हमें पता है जो टेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिल्डिंग के थ्रू, इसे लास्ट वाले मेथड में हमने देखा था, और जो वंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इंडिविजुअल हाउसेस के थ्रू। तो यहाँ वंस है 2, 2 मीन्स यहाँ पे हमें 2 इंडिविजुअल हाउसेस बनाने हैं। टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिल्डिंग के थ्रू, तो यहाँ पे हम बनाएंगे, टेंस हमारा 3 है यानी कि हमें 3 बिल्डिंग्स बनानी है, तो हम यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स बनाएंगे। यानी हर बिल्डिंग में होंगे हमारे 10 फ्लोर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो देखिए यहाँ पे टेंस है 3 यानी कि 3 बिल्डिंग्स हमने बनानी है, एंड वंस है 2 यानी 2 इंडिविजुअल हाउसेस बनाने हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 32 को। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, नंबर है हमारे पास 28 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेंस और वंस की फॉर्म में, तो 8 यहाँ पे है वंस एंड 2 है यहाँ पे टेंस, सो
टेंस के लिए टू बिल्डिंग्स हमें बनानी है, तो यहाँ पे हम बना देंगे टू बिल्डिंग्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, एंड वन से हमारे एट, यानी कि इंडिविजुअल हाउसेस हमें बनाने हैं एट। थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 28 को। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को टेंस और वंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्डिंग्स और इंडिविजुअल हाउसेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अब चाहें तो इसके जगह कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सम मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंस एंड वंस ऑफ अ नंबर। फर्स्ट मेथड हमने यहाँ देखा था हाउसेस ऑफ नंबर्स का, जिसमें हमने नंबर्स के हाउसेस बताए थे, जहाँ पे हमें एक एक इंडिविजुअल हाउसेस में इंडिविजुअल डिजिट पुट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट मेथड हमने देखा था बिल्डिंग्स और इंडिविजुअल हाउसेस के थ्रू। यहाँ पे हमने बिल्डिंग्स को यूज़ किया है टेंस के लिए एंड इंडिविजुअल हाउसेस को यूज़ किया है वंस के लिए। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने कितने इंडिविजुअल हाउसेस हैं वो हमारे हो जाएंगे वंस, और कितनी बिल्डिंग्स हैं वो हो जाएंगी हमारी टेंस। थर्ड हमने देखा है जिसमें टेंस और वंस की कुछ वैल्यूज़ दी गई थी, जिनको हमें रिप्रेजेंट करना था इंडिविजुअल हाउसेस और बिल्डिंग्स के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स है लाइक 32 एंड 28 का मैंने एग्जांपल लिए थे। 32 और 28 को हम बिल्डिंग्स और इंडिविजुअल हाउसेस के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे मैंने बताया। तो ये थे हमारे आज के कुछ सिंपल मेथड्स, जिनके थ्रू हम बच्चों को ईजिली टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं कुछ वर्कशीट्स भी शेयर करूँगी, जिसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करवाया जा सकता है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।